हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ जारी ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टरों ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इस हड़ताल के खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों में सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हुई थी और कई जगह पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई थी। हड़ताल के बाद जब देश भर से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी तो सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई, ये कानून अभी लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। आपको बता दें कि बैठक में दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी, ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होंगे, जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा है। वहीं चौथा ये कि कई बार कोहरे या मौसम की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। इधर सरकार ने जो दलीलें रखी उसमें ये था कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया गया है। यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बच जाती है। वाहन चालक जिम्मेदार बने और यदि उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वो कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। सरकार ने ये दलील भी दी कि इस कानून में पुलिसिया मनमानी पर भी रोक के प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि ट्रक चालकों के इस आंदोलन की वजह से मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात सहित देश के कुछ राज्यों में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस दौरान ट्रक और बस चालक सड़कों से दूर रहे। ईंधन की कमी की आशंका के बीच कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक टैंकर हैं। हड़ताल के बाद इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सेवाएं ठप हो गई थी, जिससे सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा मंडरा गया था। अगर ये हड़ताल लंबी चलती तो राशन, दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा जाता, जिससे इनके दाम भी बढ़ जाते और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता और दवाओं की भी किल्लत हो सकती थी। तो सरकार तुरंत हरकत में आई और बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया। ये कानून को लेकर के विरोध हमारे सभी जगह सभी चालकों में रोष है, और अगर सरकार ने ये कानून को वापस नहीं लिया तो ये सारे ड्राइवर रोडों पर आ जाएंगे, क्योंकि ये अध्यादेश जारी करते वक्त सरकार ने इनके हित की बात नहीं सोची। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो ड्राइवरों पर हम लोगों पर अत्याचार एक कानून बनाया गया है वो हम लोगों के लिए फांसी का फंदा साबित हो रहा है। सरकार कहती है एक्सीडेंट करके भाग गया ड्राइवर तो उसमें 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो ये इतनी रकम दे सकता है? अगर ड्राइवर नहीं भागता है तो ये पब्लिक मार मार के उसको खत्म ही कर देंगे। क्या सरकार जिम्मेदारी लेती है इस बात की? अगर सरकार जिम्मेदारी लेती है तो हमारा ड्राइवर एक्सीडेंट के टाइम वहीं खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा, पर उसकी सुरक्षा की गारंटी लेवे सरकार। हमारे ऊपर सरकार जो है 50 लाख 75 लाख का बीमा योजना का जारी कर दे हमारे लाइसेंस पर, और हमारे बच्चों के लिए जब हम जेल जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कम से कम 20,000-25,000 रुपए पर मंथ वेतन लागू कर दे, कि जब हम जब तक जेल में रहेंगे तब तक हमारे बच्चे दिए खाएंगे, अपनी शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, जब हम जेल से आएंगे तो फिर अपनी ड्राइवरी हम शुरू करके अपने बच्चों को दिला लेंगे। पुणे नासिक से जो माल आता है 100 गाड़ियां था उसमें से 30 ही गाड़ी आ रहा है, वो भी कल 2 दिन में नहीं आएगा, कुछ असर होगा वो मालूम नहीं क्या होगा। जिस तरह से हम सभी ड्राइवर देश की आवाम के साथ जन्म से लेकर मृत्यु सैया तक हमेशा साथ हमने दिया है, तो आज भी जो है हम दें, और किसी भी नागरिक को अगर हमारे तरफ से आज कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं हाथ जोड़ के सभी अपने देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस समय हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी जिंदगी अब ताक पर खड़ी है, हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार है। देश की आवाम से, देश की जनता से हम अपने लिए भीख मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए, कि आप लोग हम पर दया करें और हमारे देश के तमाम ड्राइवर साथियों को सहयोग दें, और जो भी हमसे हो सकेगा, सदा हम लोगों ने आपका साथ दिया है, देश की सुरक्षा की है,
देश को हमने हमेशा गति पर ले गया है और आज भी हम गति पर ही रखेंगे। तो ये ड्राइवर लोगों का जो स्ट्राइक है उसके वजह से मार्केट में बहुत आवक कम निकला है और मार्केट का जो स्थिर का लेवल है बाजार भाव का वो और ऊपर जाएगा। ये पहले से भी हमारी लड़ाई चल रही थी, हम 4 मार्च 2023 को यहाँ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिए थे कि ड्राइवर के लिए कुछ बीमा, कुछ योजना, उनके बच्चों के लिए बाल विकास योजना के तहत गरीबी योजना को लेकर के सरकार आए, क्योंकि उनकी वेतन किसी की 5,000 किसी की 10,000 से ऊपर नहीं होती है और सभी लोगों के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई है, कोई 8 घंटे की ड्यूटी, किसी की 10 घंटे, किसी की 12 घंटे। हम ड्राइवरों की ड्यूटी जो है कि 24 घंटे रखी गई है, जो कि इसमें कोई दिहाड़ी की समय नहीं गए कि आप 8 घंटा में इतना पाओगे या 10 घंटा में इतना पाओगे, 24 वही बस 250-300-400-500 की दिहाड़ी पड़ती है, तो 24 घंटे में हम कितना कमाएंगे कि सरकार को 7 लाख जुर्माना भरेंगे और फिर 10 साल की सजा काटेंगे। जो प्रॉब्लम है वो आवक के ऊपर और जो बाजार भाव है वो डबल हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा स्ट्राइक तो माल नहीं आएगा मंडी में। पैदल पद यात्रा जन ड्राइवर जन आंदोलन उत्तर प्रदेश विधानसभा के तरफ गूंज करेगा और माननीय हम अपने मुख्यमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और उनसे अपने लिए हम सुरक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे, निवेदन करेंगे। और वैसे भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी से हमारे बाबा जी की बनती नहीं है और हम उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी से कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो कि ताकि हम फिर से आवागमन अपनी पूरी करें और प्रदेश को अपने और अपने देश को सुरक्षित रखें, देश की आवाम को हम सुरक्षित रखें। जो ये खाने का चीज है उसका असर पड़ेगा ही ना जनता के ऊपर, कीमत डबल हो जाए, डबल यानी 4 पट हो जाए। आगे अगर आपकी मांगों पर सरकार नहीं मानती तो आगे क्या होगा ड्राइवर यूनियन? आंदोलन जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन स्टेजिंग छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा, चाहे क्यों ना इस आंदोलन में हमारी मौत क्यों ना हो। सरकार अगर हमें फांसी का फंदा, अगर हमारे इस विरोध में अगर हमें कोई सजा सुनाई जाती है इस आंदोलन में, तो हमें फांसी का फंदा भी मौजूद कबूल है और हम लड़ाई जारी रखेंगे तब तक कि जब तक सरकार और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी झुक करके देश के ड्राइवरों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस काले कानून को वापस नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।